नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि केवाला के अनुसार मौजूदा जमीन ठीक है लेकिन नक्शा में कम है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें। तो दोस्तों इसको जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। हालांकि बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा ही है, लेकिन समझिएगा अच्छी तरह से इसको देखकर। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपका जमीन है कोई और केवाला में उदाहरण के तौर पर 2 कट्ठा जमीन है और आपका जो जमीन है वह केवाला के अनुसार धरातल पर 2 कट्ठा है, लेकिन वही जमीन जो आपका प्लॉट है, जो खेसरा है, उसमें मान लीजिए कि 1 कट्ठा 19 धूर या फिर 1 कट्ठा 18 धूर का है नक्शा, लेकिन आपका केवाला जो है वह 2 कट्ठा का है और आप सर जमीन पर जाते हैं तो आपके पास जमीन जो है वह भी 2 कट्ठा है। तो ये केवाला के अनुसार मौजूदा धरातल पर जमीन आपके पास ठीक ठाक है, सही है, लेकिन बात आती है कि जब आप जमीन पैमाइश करेंगे तो कोई भी अमीन वहां पर जाएगा तो उस प्लॉट की पैमाइश वो करेंगे, नक्शा से पैमाइश करेंगे। तो नक्शा में जितना जमीन उस प्लॉट में है उतना ही हक अधिकार आपका है लेने का, क्योंकि सेम जो प्लॉट है आपके कागजात पर और वह प्लॉट नंबर जो भी है नक्शा में, उस प्लॉट नंबर में जितना जमीन है उतना ही आपके पक्ष में होगा। उसके अलावे उसके बगल में कौन सा खेसरा है, कौन सा प्लॉट है, उससे आपको मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए कि पड़ोसी का जो खेसरा है वह खेसरा आपके कागजात पर है तभी आप उसमें एंट्री कर सकते हैं, अन्यथा आपके कागजात पर जो प्लॉट नंबर, जो खेसरा नंबर दिया गया है उसी से आपको मतलब है। उसमें मान लीजिए आपको हो सकता है नक्शा में 1 कट्ठा 18 धूर या फिर 1 कट्ठा 19 धूर भी है, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा खुद, ठीक है। तो इस तरह का ये मतलब है कि नक्शा में जितना जमीन है उतना ही आपको मिलेगा। तो ये प्रक्रिया है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।